तो आज से शुरू होने वाला है अल्प एसएमपी का सीजन 1। एंड इस एसएमपी में अगर हम किसी को मारेंगे तो हमें एक गुड परमानेंट इफेक्ट मिलेगा, और अगर कोई हमें मारता है तो हमें एक बैड परमानेंट इफेक्ट मिलेगा। तो अगर मुझे सर्वर का सबसे ज्यादा ओवरपावर्ड प्लेयर बनना है तो मुझे इन पॉजिटिव इफेक्ट्स को लेना होगा। सो लेट्स सी क्या आज हम इस सर्वर के सबसे ज्यादा ओवरपावर्ड प्लेयर बन सकते हैं या नहीं। तो आज से स्टार्ट हो रहा है अल्प एसएमपी का सीजन 1। आर यू गाइस रेडी? यस, गो स्टार्ट करते हैं। हेलो हेलो जीजी यार। हाँ हाँ बोलो बोलो। आरटीओ अपने अपने वीसी चल रहे, ठीक है? ओके ओके ओके, बाय बाय बाय। सो नाउ गाइस थोड़ा बहुत ग्राइंड करते हैं यहाँ पे। What? जीजी ने मार दिया गोल्ड। खोलो, oh my god, oh shit, थंडर हो रहा है। Oh, what the hell? अरे भाई दे जीरो, और ये कैसे स्पोन हो गए यहाँ पे? भाई लिटरली हर कोई इस विलेज में घूम रहा है इस टाइम। वैसे मुझे लगता है कि कोल्ड ने मुझे देख लिया होगा इस केव में आते हुए। आर्टियो मुझे शायद से बुला रहा है। हेलो आरटीओ। हाँ, अच्छा आरटीओ मुझे आपकी टीम ज्वाइन करनी है। क्यों? मेरी कोई यहाँ पे टीम नहीं है, एंड यहाँ पे कोल्ड और जीजी ने ऑलरेडी टीम कर ली है, एंड आप ही बचे हो यहाँ पे अकेले। वैसे मेरे पास भी कोई टीममेट नहीं है। ओके, आप ऐसा करो, ऊपर से जल्दी से फूड वगैरह कलेक्ट करो, मैं नीचे से थोड़ा सामान कलेक्ट करूँ, ठीक है? उसके बाद हमें अपना एक बेस चाहिए रहेगा, और उसके बाद हमें इन सबको मारना है। अगर हमें पॉजिटिव पोशन इफेक्ट्स मिलेंगे तभी हम इस एसएमपी के पावरफुल प्लेयर्स बनेंगे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। अच्छा आरटीओ, मैंने खाना कलेक्ट कर लिया है, उसे किधर हो आप? मैं भी आ रहा हूं। मैं विलेज के नीचे जो केव थी उसके नीचे ही हूं। ओह वेट, मैं भी आ रहा हूं। चलो, मेरे पास आर्मर भी हो चुका ऑलमोस्ट। तो जब मैं माइनिंग कर रहा होता हूं, मुझे पता चलता है कि गाइस हमारे 50K सब्सक्राइबर होने वाले हैं। सो अगर आपने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो जब मैं माइनिंग कर रहा होता हूं, मुझे पता चलता है कि कोई बंदा मेरे पे नजर रखे हुए है। ओह शिट, ये जीजी कहाँ से आ गया नीचे? हेलो आरजोर। हाँ बोलो। ये जीजी कहाँ से आ गया? व्हाट, वाओ, गेम में? या ओह नो, वो नीचे माइनिंग के लिए आया होगा। आपको दिख गया क्या? मेरी लोकेशन पे कैसे आया? आप किधर हो अभी? मैं भी यहीं पे केव में हो गया। किधर गया भाई? जीजी गायब हो गया। व्हाट द हेल। ओह नाइस, ओह माय गॉड, ओह शिट। यार बताया तो नहीं आपने क्या इसको? नहीं भाई, मैं क्यों बताऊंगा। जीजी वहां के भाई, भागो वहां से, क्या कर रहे हो? आ गया भाई मेरे सामने। भाई भागो, इफेक्ट मिल जाएगा आपको। और भाई मारूंगा उसको, इफेक्ट मुझे मिलेगा, लेट्स गो। ओह नाइस। लेकिन इसको हमारी लोकेशन का किसने बताया यार? ओह मुझे वाटर ब्रीथिंग मिल गया, इट्स मीन मैं इनफाइनाइट वाटर में सांस ले सकता हूँ। भाई साहब, भाई पहला पॉजिटिव इफेक्ट मिल गया आपको, नाइस। वाटर ब्रीथिंग से शायद से हम काफी समय तक पानी में सांस ले सकते हैं। यस। हेलो आरजोर, किधर आप नजर नहीं आ रहे? हेलो, यहाँ पे मेरे पिलर। हाँ ये रहे यहाँ। ओ भाई ध्यान से। ओ माय गॉड, एवल जी गल नहीं। अच्छा तो खाना दो आप जल्दी से, और ये लो आपका सामान। आई होप सो हम एक दूसरे पे फुल ट्रस्ट कर सकते हैं, राइट? ओए अरे 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 अरे, अभी अब से हम लोग एक पक्के वाले टीममेट्स बन चुके हैं। ओके नाइस नाइस नाइस। सबसे पहले हम एक बेस बनाना चाहिए ताकि हम गियर अप होएं। ये तो अभी स्टार्टिंग किट थी। चलो लेट्स गो। ओ ये ऑलरेडी लूटेड है। ये तो नहीं आपने कहीं लूट किया था क्या? हाँ यही था। किधर हो आप? किधर हो? सामने। किधर? जी यार इस डायरेक्शन में चलो। वैसे हम स्क्रूज की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से तो कुछ मिलता ही नहीं होता। भाई तो सीक्रेट बेस, सीक्रेट बेस। आज आज पता ही नहीं चलेगा, हारों के बीच में अपना बेस। ठीक है चलो, अब यहाँ पे कोई बेस की लोकेशन वगैरह ढूंढते हैं। आरटीओ ये क्या कर रहे हो? एक मैं एक चीज दिखा रहा हूँ, एक हैक है, रुको ना, वहाँ वहीं पे रहो, एक चीज दिखा रहा हूँ आपको मैं। मारने वाले हैक भाई, देखो काम कर लो जल्दी, टाइम नहीं है यार, बेस भी बनाना है। शिट भाई क्या चिंदी हरकतें हैं भाई। एक तो मेरी वाटर बकेट किधर है? ओह माय गॉड, ओए यार शिट, लेट्स गो। जैसा कि हम लोग ने प्लान किया हुआ कि हम लोग ना आरटीओ को मारने वाले हैं सभी के अंदर। आपने किस तरीके से ना आरटीओ की टीम में जाके ना आरटीओ को अपना ऊपर अपना पूरा ट्रस्ट दे के आरटीओ को, उसके बाद आरटीओ को बिट्रे करना है। ओके तो इसका मतलब कोल्ट और आरजोर मेरे साथ शुरू से एक गेम खेल रहे थे, और अब मैं स्पोन पे था, और जैसे उन लोगों को इस बारे में पता चलता है वो स्पोन पे आ जाते हैं। नो, निकलना पड़ेगा मुझे यहाँ से। ओह नो गाइस, मुझे किसी तरह बचना होगा। अगर मैं इन लोगों के हाथी चढ़ गया तो ये मुझे सारे नेगेटिव इफेक्ट पकड़ा देंगे, और मैं कुछ भी नहीं एसएमपी में कर पाऊंगा। शिट भाई, ओह माय गॉड, इनको मुझे यहाँ से काफी दूर लेके जाना पड़ेगा। ओह माय गॉड, मेरे पीछे ही आ रहे हैं यार, नहीं। अरे भाई कसम से क्या बंदे हैं ये, छोड़ दो भाई मुझे, छोड़ दो। ओह शिट भाई, ओह वीकनेस लग गया यार, अब तो मैं किसी को मुक्का भी मारूंगा किसी को कुछ डैमेज नहीं पड़ेगा। सीधा ही जाते हैं अभी के लिए गाइस, मैं यहाँ से सीधा ही जाने वाला हूँ बिल्कुल। ओह कोई घूम रहा है यहाँ पे ऑलरेडी, व्हाट द हेल। ओह नो, आरजोर आ चुका है इधर ही। इस चमन को तो मैं छड़ेगा नहीं भाई, इस चमन ने बहुत बुरा किया था। ओके नाइस, लेट्स गो भाई, इसके हाथ में तो नहीं आने वाला आज मैं।
ओके मैंने उसको चकमा दे दिया क्या? ओ माय गॉड बच्चों यहाँ से बच्चों। अरे भाई लिटरली देखो गाइस मैं इनको मार भी नहीं सकता, अब देखो मैं इनको टच भी नहीं कर सकता, वीकनेस इतना गंदा इफेक्ट होता है यार। ओ माय गॉड आई एम लिटरली ऑन हाफ हार्ट एंड मेरा 100 बार भी डाउन हो चुका है। नो यार को तो मैं चकमा दे आया बट यहाँ से मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊंगा। हेलो गाइस कल ही आ सकते थे क्या? ओ शिट आ गया ये कहाँ से आ गया छपड़ी यूट्यूबर। अरे नो अरे भाई स्लोनेस लग चुकी है, अब तो मैं भाग भी नहीं सकता यार इन लोगों से, टच नहीं कर सकता इन लोगों को मैं इस टाइम पे क्यों। ओ शिट दोनों ही आ गए इन शिट भाई। ओके तो अभी मैं उन लोगों को काफी दूर छोड़ आया हूँ, मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बोर्ड भी नहीं क्राफ्ट कर सकता बिकॉज आई हैव माइनिंग फिटिक ब्रो, मैं इस गेम को अब कैसे खेलूंगा, मैं लिटरली एडवेंचर मूड में आ चुका हूँ अभी। अभी के लिए यहाँ से मुझे बचना होगा, बाद में देखते हैं कि हमें क्या करना है। और माइनिंग फिटिक की वजह से मेरे लिए ग्राइंड करना तो बहुत मुश्किल था, इसी वजह से मैं अपने एक दोस्त को हेल्प के लिए बुलाता हूँ। जैसा कि पास मैंने आपको बता दिया कि मेरे पास अभी बैड इफेक्ट्स हैं और ना ही मैं कोई चीज को तोड़ सकता हूँ। मेरे पास एक आइडिया है, आप मुझे मार के सारे इफेक्ट्स रिमूव कर लो अपने। आपको से मेरे इफेक्ट्स तो क्लियर हो जाएंगे बट मेरा रिवेंज क्लियर नहीं होगा। तो अगर हमें उन लोगों के मेन बेस के कोड्स भी जानने हैं और उन लोगों से रिवेंज भी लेना है उसके लिए मेरे पास एक बहुत तगड़ा प्लान है। बट उससे पहले अब यहाँ पे जल्दी बैठ जाओ और मुझे एक खाना तोड़ के दो ताकि मेरे पास थोड़ा बहुत खाने के लिए भी भाई सामान हो। क्यों खाना नहीं तोड़ सकते क्या? हाथ है लेकिन बंधे हुए हैं, आप इन हाथों को खोलने की चाबी हो। ओके तो मेरे पीछे आओ, यहाँ पे मैं अपना डिस्पोर पॉइंट सेट करूंगा और आप मुझे मार दोगे, जल्दी मारो। अगर क्यों आप मुझे मारोगे तो इन लोगों को लगेगा कि आपने अभी मुझे बिट्रे कर दिए। ओके देखो मैं अपनी नेदरराइट कैक से आपको मारूंगा ठीक है ना। लेट्स गो इन 3 2 1 नाइस नाइस। और अब आप उनके लीडर के पास जाके सब कुछ बता दोगे जो आपने यहाँ पे किया। हेलो कोल्ड। हेलो यार मुझे आपने यहाँ पे क्यों बुलाया? तो कोल्ड जैसे कि आपको पता है कि आरटीओ भाई ने मुझे इस सर्वर में इनवाइट किया था, उन्होंने मुझे एज अ टीममेट नहीं बुलाया था बल्कि अपने काम कराने के लिए बुलाया था, मतलब उन्होंने मुझे अपना नौकर समझा हुआ था, तो मैं उन्हें मार के आ गया भाई। बिट्रे कर दिया आरटीओ को आपने? हाँ मैंने आरटीओ गेमर को बिट्रे कर दिया है और मैंने सुना है कि आप लोग भी आरटीओ गेम के दुश्मन और मैं भी आरटीओ गेम के दुश्मन हूँ, तो हम दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। आरटीओ के साथ आपकी दुश्मनी है ना, तो आप इसलिए हमारी टीम ज्वाइन कर सकते हो। हाँ तो बस फिर क्या बना और डायमंड आर्मर में आ गए फिर आप। आरटीओ भाई मैं उन लोग की टीम मैच को और मुझे उन लोग के बेस की सीक्रेट कोड भी मिल चुका, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं उन लोग के बेस में। लेट्स गो। तो आरटीओ भाई उन लोग का बेस यहाँ से पास में है तो हम लोग इनविजिबल का पोर्शन लगाना चाहिए ताकि उन लोग को हम दिखे ना। लेकिन मेरे पास इनविज का पोर्ट नहीं पड़ा हुआ। मेरे पास है ना पीछे देखो। अरे लाओ दो भाई। Yes! Oh my God! आरटीओ भाई इधर ऑब्सीडियन की साइड आ जाओ, देखो मेरा हाथ में मटन है देखो। हाँ हाँ नजर आ रहा है, नजर आ रहा है। चलो 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 देखो इस साइड पे आओ, इधर इधर तो इधर से नीचे आ जाओ। यहाँ से नीचे है क्या? ओके आई एम कमिंग। नीचे आ जाओ। आई एम कमिंग आई एम कमिंग। ओह शिट व्हाट द हेल। ओह माय गॉड ये तो एक ऑब्सीडियन बॉक्स है। बस आपने आर्मर पहन लिया अपना। तो क्या हुआ इन लोगों को इसी बुलाया आपने? बस ये मेरे दोस्त है। व्हाट ये आपके दोस्त है? अरे हेलो कोल्ड कहाँ लेके जा रहे हो बास को? बहुत मेन बंदे इसने आरटीओ को बिट्रे किया है, इसको मैं अपना बेस दिखाने लेके जा रहा हूँ। भाई यार ये आरटीओ की कोई चाल होगी भाई, इसका बहुत अच्छा दोस्त है आरटीओ का बास। मुझे लग रहा है ये आगे चल के हमारे साथ बहुत बड़ी गेम खेलने वाला है, जिस तरह हमने आरटीओ के साथ किया था। हाँ यार वैसे यार आप किए तो ठीक रहो। हेलो अब्बास। हाँ बोलो यार। यार देखो भाई मैं पागल हूँ भाई, इधर आके भाई तीन बंदों के सामने मरने आ जाऊँ भाई, मैं क्यों आऊंगा अकेले? इन्फॉर्मेशन लेने के लिए भी तो आ सकते हो ना। बस हमारे पास ना आपके लिए एक ऑफर है, अभी हम आपको जो बोलेंगे ना आपको वो करना होगा, हम आपको बहुत सारा सामान देंगे और अपनी तरह का आर्मर भी देंगे और उसके साथ साथ की जोर भी प्रूफ हो जाएगी कि आप हमारी टीम में आ चुके हो। ओके डन। बेस बेस तक नहीं आते, न्यू बेस है यार आपको, इधर रहो। ये देखो बैटरी भी लगा रखी आपके लिए। व्हाट द हेल अब्बास आपने बिट्रे कर दिया क्या? क्या करता भाई आप मुझे सिर्फ काम कराते, मुझे नौकर बना के रखा था भाई। आपको नजर नहीं आ रहा था ये ऑलरेडी तीन बंदे हैं, मुझे आप अकेला छोड़ के उनके साथ हो गए हो। तो भाई ये कैसे हेल्थ भाई, 24 घंटे सिर्फ काम ही कराते थे, ऐसे बुलाते नहीं सिर्फ काम के टाइम बुलाते थे। अभी आपस को आपस में छोड़ो, आपस में बातें बाद में करना, अभी ये आरटीओ का नया बेस है, आज आरटीओ यहीं पे रहेगा। ओके अब्बास मुझे यहाँ पे आपने बुला ही लिया है तो मारने में टाइम क्यों लगा रहे हो, मार दो। मार मैं उधर भी सकता था भाई। हाँ तो आप मुझे यहाँ पे लाइक कैद करने का सोच रहे हो, ऐसा सीन है? एक बेड दिया हुआ है इन्होंने, दो चीजें हैं। आई डोंट थिंक सो, इसमें भी कोई की नहीं है। ओह वेट 1 2 3 1 2 3। ओह माय गॉड मेरे पास फ्लिंट एंड स्टील पड़ा है क्या? स्टील तो है, ओह ग्रेवल है, निकल गया। लेट्स गो। एंड ये लगाया हमने फ्लिंट एंड स्टील। ये लोग मुझे लिटरली ट्रैप करने चले थे भाई, 5 मिनट नहीं लगे मुझे यहाँ से लिटरली निकलने में। सो फाइनली मुझे न्यू विलेज मिल चुका है, लेट्स गो। यार मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, बुलाया मैंने था आपको उनकी साइड चले कि कहाँ से लॉजिक आ रहा है, इस बात का कोई सेंस कुछ नहीं मिल रहा आपकी ये जो आपने अभी हरकत की है। आरटीओ भाई आपको क्या लगता है कि उधर वो 3x3 का प्रेजेंट बॉक्स खुद ही बन गया या फिर वो बॉक्स मैंने बनाया था ताकि आप उधर से एस्केप कर सको? आरटीओ भाई अगर मैं आपको बता देता कि उधर आपके लिए प्रेजेंट है, उन लोगों को मुझ पर थोड़ा सा शक होता ना तो वो टीम से निकालते, मुझे नहीं लेते टीम में, इसलिए मेरे पास गोल्डन चांस था उन लोगों की टीम में जाने का। अच्छा उन लोगों की टीम को ज्वाइन करने के लिए आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया कि यहाँ पे क्या चल रहा है? अगर मैं
मैंने आपको कुछ बताया था तो उन लोग को शक हो जाता और वो मुझे कभी अपनी टीम में नहीं लेते। तो आरटीओ भाई मैंने उन लोग को बेचे सारा सामान भी ले लिया, अब टाइम है उन लोग से रिवेंज लेने का। क्या आप रेडी हो? मैं तो भाई फुल्ली रेडी हूँ। मैं आपको कॉल देता हूँ उधर से इकट्ठे निकलते। ओके वो ये कहाँ घुस गया नुबड़ा यार, थोड़ा सा आगे चले फिर इसके पीछे चलते हैं। यार सीक्रेट केव बनाई कब होगी इसने, अभी ये पता करना है। अरे पता नहीं भाई अब्बास ने जंगलों में कहाँ पे वो केव बनाई है। तो गाइस मेरे पास अभी अब्बास के ऊपर ट्रस्ट करने के सिवा कोई चारा नहीं है दूसरा, बिकॉज मुझे उन लोगों से बदला लेना है तो मुझे कोई ना कोई वे ढूंढना था। ओ वाओ ब्राउन पांडा मिला मुझे, मे बी ये रेयर होता है क्या? अरे मुझे अच्छा लग रहा है यार। वैसे यार बैम्बू शैम्बू है क्या पास में, इसको खिलाएंगे हम। हेलो अब्बास किधर रह गए भाई? भाई मैं आ चुका हूं इधर। ओके यही कोर्ट से कब बनाई है इसने इतनी बड़ी केव, मैं इसकी खत्म ही नहीं हो रही। ओ भाई साहब सामने खड़ा हुआ। अच्छा तो ये है वो केव। ओके ओके ओ नाइस नाइस, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। भाई मुझे लिटरली बहुत ज्यादा रेयरस्ट चीज मिली है। किधर चला गया भाई? इधर ही तो था, देख रहे हो तो देख रहे हो भाई। अरे भाई बहुत रेयर होता है भाई। ओके तो अब आज सामने सारा रास्ता साफ हो चुका है, तो अभी आपको इसको यहाँ से सीधा लेके जाना है और ऐसी जगह पे लेके जाना जहाँ पे हम अपना न्यू बेस बनाएंगे और इसको सिक्योर रखना भाई, ये हमारा बहुत रेयरस्ट पेट है। ओके तो आप इसको वहाँ पे लेके जाओगे और मैं जाके आर्डर से अपना बदला लेके आऊंगा, उस टनल के थ्रू सीधा मैं बेस तक पहुंचूंगा ना। ओके गाइस अपने आपको मैंने इन्वेस्ट कर लिया है, लेट्स गो। अरे भाई ये लोग तो खुद इतने गरीब पड़े, कोबेब्स पकड़ लेता हूं। लेट्स गो गाइस आर्मर पहन लेते हैं, मुझे एक शील्ड चाहिए रहेगी, शील्ड बना लेते हैं भाई जल्दी से। हां भाई इनके बेस में आकर लिटरली चीजें क्राफ्ट कर रहा हूं। ओ तेरे शिट बंदा आ गया, ओ माय गॉड उसे देख लिया यार शिट। ओके लेट्स गो गाइस इसका टोटम गया। तेरी ऐसी की टैसी बे नूबड़े, तेरी ऐसी की टैसी बे, मेरे को भी ट्रैक करेगा तू हैं, मेरे को बिट्रे करोगे। लेट्स गो यार, यार जोर किससे मर गया? ओए इसका स्पॉन पॉइंट अंदर आ गया। व्हाट व्हाट व्हाट, जल्दी कवर करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। लेट्स गो, ओह माय गॉड, ओके ओके नाइस। तेरी ऐसी की तैसी बे यार, फिर से मार दिया भाई इसने। अबे कहां क्यों मार रहे बार-बार? एक मिनट को यार इसको मैं बताता हूं, बहुत हो गया यार। क्या हुआ कॉल क्यों भाई? यार रोक दो इसको, रोक दो। अगर आपने कोशिश की ना इसको, अगर आपने आगे लेके जाने की कोशिश की तो मैं इसको एरो मार दूंगा भाई। बहुत रेयर पांडे भाई, अबे बल्ले रेयर है तो मेरे बंदे को मारा, हमारा टीममेट को मारा और आप आरटीओ की मदद क्यों कर रहे थे? मैं आप लोगों को देख रहा था, ये आपके पीछे हूं मैं कब से, आप लोगों की मैं जासूसी कर रहा था कब से। आरटीओ को बोलो इसको छोड़ दे, आरटीओ को बोलो, आरटीओ बोलो उसको छोड़ दे, नहीं तो मैं इसको मार दूंगा। पांडे कुछ नहीं कर, मत को खुद आरटीओ बोलो, आरटीओ बोलो, फिर आरटीओ को बोलो भाई एयर को मत मारना वरना कोल्ट हमारे पांडे को मार देगा। व्हाट द हेल, वो कहां से आ गया हमारे पांडे के पास भाई? वो कब से हमारी जासूसी कर रहा था? ओ तेरी, वो हमारा पीछा कर रहा था क्या? ओ माय गॉड, एक बार मारे तो भाई पांडा को मार देगा भाई, मत मारना प्लीज। उसको बोलो पांडा को ना मारे, पांडा को ना मारे। आप लोग किधर हो अभी, जल्दी बताओ मुझे। ओ नो निकलना पड़ेगा भाई, मैं कोऑर्डिनेट देता हूँ। अरे भाई इसको भी नहीं मार सकता मैं जल्दी, ये कोर्ट वीसी बुला रहा वीसी। आठ मैं आपको अभी बता रहा, अगर आपने अभी आरजोर को एक दफा भी मारा तो आपका पांडा चला जाए। अरे भाई नहीं मारा पांडा को, कुछ ना करना भाई, आ रहा हूँ उधर। अब से आरजोर को मारी जा रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ क्यों मार रहे यार उसको बार बार। बस आपने जो आठ की मदद की है ना, आपको भी हम लोग अभी बताएंगे।